मुख्यमंत्री गहलोत जाएंगे बीकानेर सरदार शहर। 30 नवंबर को बीकानेर व सरदार शहर दौरे पर रहेंगे सीएम गहलोत। जयपुर से सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत रवाना होंगे। सुबह 11 बजे बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे और दोपहर 3 बजे सरदार शहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो ये कार्यक्रम 30 नवम्बर का तय है। बीकानेर व सरदार शहर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, एक दिवसीय दौरा रहेगा ये सीएम का 30 नवंबर को? बिल्कुल, देखिए बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर और सरदार शहर के दौरे पर रहेंगे। पहले जयपुर से बीकानेर जाएंगे जहां पे जो मेगा जॉब फेयर है उसका अवलोकन करेंगे और कई जो युवा है उनको नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर जो निजी क्षेत्र की जो नौकरियां है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस तरह का जॉब फेयर पिछले दिनों जयपुर में भी हुआ था, आपने देखा होगा, उसी क्रम में बीकानेर में जॉब फेयर हो रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर जाएंगे चूरू जिले के सरदार शहर में जहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरदार शहर का दूसरा दौरा रहेगा। इससे पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा उनके नामांकन रैली में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और अब 30 नवंबर को बड़ी जनसभा की जानी है गांधी चौक में, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव है। दौरान मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो सरदार शहर की सीट है जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है वो बरकरार रहे। हालांकि सरकार के जो और मंत्री और कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वहाँ पे डिमांड है कि उनकी एक सभा होने से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री 30 तारीख को बुधवार को जो है वो सरदार शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। पीछे चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी उनके साथ जाने की संभावना है और जो बीकानेर जिले के जो मंत्री है और वो नेता जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव के लेके वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये एक दिवसीय कार्यक्रम है, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम खासकर बीकानेर के लिए भी और सरदार शहर के उपचुनाव के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।